आज जागर ओम नमः शिवा ध्वनि रे प्रकंपित पूरा परिवेश चलचंचल हो उठी। प्रमुख शैवपीठ श्रद्धालु माने किपरी शांति श्रृंखलार सहित दर्शन करिवे से नै समस्त प्रकार व्यवस्था करा जैछि एवं संध्या समय रे राति रे जेतबेले कि महादीप उठिब से नै समस्त प्रस्तुति मध्य करा जैछि। लिंगराज मंदिर निकट रे मध्य किभळि परिवेश रहिछि से संपर्क रे अधिक सूचना देबा पई आम प्रतिनिधि सेठारे उपस्थित रहिछन्ति। किभळि भाबे श्रद्धालुंकर समागम होउछि से नै मध्य आमे जानिबा, से दृश्य मध्य आमे देखाइबा पूरा परिवेश कु नै। ओम नमः शिवाय ध्वनि रे प्रकंपित पूरा परिवेश विभिन्न शैवपीठ रे व्यापक व्यवस्था करा दैछि। मनोज दास रहिछन्ति सिधाश्लोक लिंगराज मंदिर परिसरु। मनोज, वर्तमान रे आपण दृश्य कोन देखुछन्ति? कारण दूर दूरांतरु श्रद्धालु मानकर समागम होउछे। माता मे पार्वती देवी ही, पिता देव महेश्वर, बांधवा शिव भक्तानां स्वदेशं भुवनत्रयो। तेणु शंकर भगवान आज समग्र धरापृष्ठ रे विराजमान करिसंति एवं प्रत्येक स्थान रे ओम नमः शिवाय प्रतिध्वनि रे प्रकंपित होउछि समस्त शैव क्षेत्र। आज होउछि एभळी रात्रि महाप्रभु अनंतकोटि ब्रह्मांडर नाथ महाप्रभु विश्वेश्वर जे कि अति सुंदर भाव रे आज श्रद्धालु मानंकु दर्शन दबा पाई कि जे आसिक पहुंची मंदिर परिसर रे एवं प्रभु जे भली भाव रे आपण देखुं श्रद्धालु मानंकर भिड़ एवं दिने नारद प्रभु को पचारे प्रभु आपण कौटि रहुचंती, आपण तो कैलाश पर्वत रे रहुचंती, आपण को दर्शन केमिति भक्त माने पाइबे? ये कैलाश पर्वत को तो भक्त माने आसी पारिबे नहि। शंकर भगवान कहिले ना अहं तिष्ठामि कैलाश, ना ताहले आपण कौटि रहुचंती, ना मो जोगी मानक हृदय रे भी रहुतिबे आपण, ना नाही मो जोगी मानक हृदय रे भी रहुनि, ना अहं तिष्ठामि कैलाश जोगिनां हृदय नच। ताहले प्रभु आपण केउठि रहुचंती? आपण कैलाशरे रहुनांती, आपण जोगीमानक हृदयरे रहुनांती, ताहले आपण कोउठि रहुचंती? ना मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, ना अहं तिष्ठामि कैलाशे जोगिनां हृदये नच, मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। तेणु मो भक्तमान मते जेउठि डाकिबे, मो भक्तमान मते जेउठि उपवास व्रत करि महाशिवरात्रि व्रत करि ओम नमः शिवाय ध्वनि रे मते डाकिबे, मो सेइमानक पाखरे रहिताए। ये दृश्य आपण देखुचंती महाप्रभु लिंगराजंक मंदिर परिसर रे धीरे धीरे श्रद्धालु मानंकर भिड़ जमुची। आज महाशिवरात्रि रे हृदयर स्पंदनरु दीपटिए जालीदेले अति भक्तिर सहकारे भक्तिपूत सहकारे उपवास व्रत होउछि सर्वश्रेष्ठ व्रत शंकर भगवानकर। माता पार्वती को जेतेबेले पचारिले माता पार्वती जे आपणकर सर्वश्रेष्ठ व्रत किए, ना मोर उपवास व्रत होउछि सर्वश्रेष्ठ व्रत। आमे किछि प्रतिक्रिया रखिबा, आपण आज दीप जाळिबा पई आसिछन्ति किभळि भाबरे ए प्रभुंकर आज शिवरात्रि पालन कर? भलरे दर्शन हला जाए आज्ञा, बहुत कष्ट लाइन रे पूरा छिड़ा है गिरी, पूरा माने पास थाई गिरी भी बहुत माने कष्ट रे माने ठाकुर को पाको एते ओसा करचंदी कोन कोन उपवास नाही। आज हमें किछि मु पानी भी पीबिनि आज ना। केते वर्ष हला ओसा करचंदी? नाही केते वर्ष नाही, जो वर्ष जेमिति माने दर देह खराब हेतब जो वर्ष से वर्ष तो करी हेबो नै, जो वर्ष भगवान भलो रखितांते से वर्ष भगवान को नारे उपवास करा जाय। किछि प्रतिक्रिया रखिबा तो आपण दीप जाळुचंती तो किभळि भाबरे आज उत्साहित तो आपण प्रभुंक दरबार रे ठाकुरंकर तो माने इच्छा थिला ठाकुरंक दर्शन भी हेई गला भलसे भलसे ठाकुर बस ठाकुर बळ दीप जाळिलणी आसी कि दर्शन करि सत 15 20 मिनिट हेला दीप जाळलोणी, 15 20 मिनिट हेला दीप जाळलोणी। किभळि आपण आज व्रत पालन करचोन? खुशी लागुच मंदिर आसी कि दर्शन करि के दीप जाळुचंती केत बळ पर्यंत महादीप दर्शन पर्यंत रहि? हां महादीप उठिले जिवो। आपण आज दीप जाळुचंती प्रभुंकर सर्वश्रेष्ठ व्रत होउछि शिवरात्रि व्रत, कारण प्रभु जेतेबेले प्रभुंक पाखरे जेते जहा लागिकले मध्य जने श्रद्धालु जदि उपवास रहिकरि व्रतटिए पालन करिव एई महाशिवरात्रि रे, कारण आज प्रभु लिंगदेव रूपरे लिंग भावरे आविर्भूत होइतले धरापृष्ठ रे। तेणु किभळि आज आपण पालन करुचंती एई व्रत को? हां आमे नीति नियम निष्ठारे उपवास रहिकि काली भोर कहिकि इटा उपवास कटेबु, आज ठाकुर आशीर्वाद भलर भलर आम दर्शन भी मिलगला।
महादीप 10 बेले उठिबो आपण 10 साढ़े 10 उठिबो आमे जाइके उपवास रही आमे पूरा उपवास रहिके तमाम दृश्य आपण देखुचंती धीरे धीरे श्रद्धालु मानकर भिड़ जमुची ए जो दीप आपण देखुचंती ए भक्तिर नैवेद्य एवं ये दीप जली जली जेभली भाव में अंधकार को दूर करे से भाव शंकर भगवान पाखे जो पाप ताप रहिला ताकु दूर करा जाए एवं भक्तिर सहकारे जदि श्रद्धालुटे आसी प्रभु दरबार में आसी निजक समर्पित भाव नहीं करी भाव इक्षाकु वंशर राजा जम्बुदीपर राजा चित्रभानु जेभली भाव से जातिस्मर थिले एवं से तांकर उपवास व्रत पालन करथिले प्रथमे शिवरात्रि व्रत पालन करथिले ऋषि अष्टवक्र जेतेबेले पहुंचिचंती महाभारतर स्मृति को जदि आमे देखिबा ताहले अष्टवक्र को इक्षाकु वंशर राजा चित्रभानु कहिचंती जे से पूर्व जन्म रे व्याध थिले एवं जेतेबेले रात्रि रे शिकार करि से फेरुचंती सेतिकि बेले कण हला ना अंधकार हेगला एवं से तांको अजणतारे एक बेल गछरे जंगल भितर एक बेल गछरे चढ़ीगले आखिर धार धार लुह बहुतिला एवं ता सहित से तांको अगोचर रे गोटे गोटे बेलपत्र पकौते दैववशत से बेल गछ मूले गोटे शिवलिंग थिला एवं से शिवलिंग रे चित्रभानु जे भली भाव रे ससुर नामक व्याध थिले बा शिकारी थिले परवर्ती पर्याय रे जेहेतु से तांको अजणतारे महाशिवरात्रि दिन व्रत करथिले उपवास करथिले एवं तांको अजणतारे बेलपत्र पकौते शिवलिंग उपरे तेणु परवर्ती पर्याय रे से इक्षाकु वंशर राजा भाव में परिचित हेले एवं से शिवलोक को गले तेणु जानतार हो बा अजणतार हो जड़े अजणतार जदि शिवंकर नाम को आराधना करे पाटी रे धरे एवं शिवं को डाके ताहले तार समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए एवं संसार रे परम ब्रह्म होचंती शंकर भगवान विस्तृत सूचना दौंती चित्र देखा दृश्य देखा श्रद्धालु माने किभली भावे वर्तमान ठारु ही दीपचाली बसी प्रभु को आराधना करुछंती पूरा परिवेश दृश्य देखुले लिंगराज मंदिर दृश्य रही महाशिवरात्रि चलचंचल कोरापुट गुप्तेश्वर पीठ महादेव दर्शन पर भोर लगी भक्त लंबा धाड़ी गुप्तेश्वरंकर पूजार्चना सह दर्शन करुछंती श्रद्धालु शिवरात्रि उपलक्षे भोरु बाबा गुप्तेश्वरंकर विभिन्न नीति संपन्न करा साहण मेला दर्शन रे आसी भक्त माने पूजार्चना करुछंती भक्तों भिड़ को दृष्टि रखी श्रृंखलित दर्शन पर देवोत्तर विभाग एवं जिला प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था हो राति 12 हेबो हरिहर भेट एवं 1:30 उठिबो महादीप एने गुप्तेश्वर पीठ से भक्तों आलोचना करिसंती आम प्रतिनिधि एन संतोष जागर यात्रा गाँ ठारू सहर समस्त शैवपीठ से भक्तों भिड़ जमी रही बेले दक्षिण ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ गुप्तेश्वर ठारे भक्तों भिड़ लग रही लंबा धाड़ी रे भक्त आसुचंती ठाकुर दर्शन करुचंती आशीष ग्रहण करुचंती ओम नमः शिवाय ध्वनि रे प्रकंपित होउची गुप्तेश्वर पीठ यही परिप्रेक्षी आम पाखे किसी श्रद्धा अच्छा बुझने से कौट आसान तर मानसिक अच्छी सर आप कहाँ से आए हैं मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आया हूँ कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है वो तो मालिक की कृपा है भोलेनाथ की कृपा है जो हम लोग यहाँ तक ले आया है कितने देर खड़े हैं हम लोग 2-3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे कैसा लग अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है आम पाखे किसी महिला भक्त अच्छा बुझे ना से कौन कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है शांति मिल रही है ईश्वर के दरबार पर आके बहुत शांति मिल रही है अच्छा लग रहा है धाड़ी आसी ठाकुर दर्शन करछंती समस्ते सुरक्षित रहे समस्ते निजर निजर मनस्कामना पूरण पई लंबा धाड़ी आसी ठाकुर दर्शन करछंती गुप्तेश्वर रु एन संतोष न्यूज 7 गुप्तेश्वर पीठ आपण देखुले दृश्य जागर पई चलचंचल उठी नयागढ़ जिला शरणकूल लड्डू बाबा पीठ सकाळ सकाळ ही लड्डू बाबा दर्शन पर बहु संख्यार भक्त लाइन में रही दर्शन करते भोर 4 समय अवकाश मैलम पर सर्वसाधारण ठाकुर दर्शन व्यवस्था कर सकाळ 6 पहड़ बल्लभ एवं भोग कर दर्शन आरंभ होता
लड्डू बाबा को मंदिर रे आज तीन थर महादीप उठिबो। प्रथम दीप राति 10टा रे उठिबा पई समय निर्घंट होईची। राति 12टा मध्ये तीनटी दीप उठिबो। शांति श्रृंखला रक्षा एवं गहळी किभळे भाबे बा भिडो कु केळी नियंत्रण करा जिवो सेने पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायचे। यानी अधिक सूचना दैछंती नयागढ़ प्रतिनिधि वैद्यभूषण महापात्र। आज हूँ महाशिवरात्रि लड्डू बाबा जागर यात्रा। जो जागर यात्रा रे लक्षाधिक भक्त समागम होता है। आज सका लंबा लाइन लगी भक्त मान बर्तमान सुधा 20,000 रु अधिक भक्त आसिक दर्शन कर सारे बर्तमान सुधा भी चलुच्छी दर्शन चलुच्छी एवं संध्या पर्यंत दर्शन चलो। राति 10टा रे महादीप उठवर जहाँ व्यवस्था कर तो आम जो भक्त मैंने ठार प्रतिक्रिया ना तो कौन कह कौट आसी ठाकुर महात्म को नहीं कौन कह आमर यर्णकूल पाख बड़गोड़ आम आसीचु आईटा बहुत प्रत्येक ठाकुर ये सब जगर में बहुत भिड़ हुए भल लगे समस्ते आसर गंजाम लाइन रू आस बहुत आड़ लोक आस दर्शन करने बहुत भल लगे। निश्चित भाव में लाइन लगी लोक मान आतिक्रिया नवा लोक क्यों भाव में व्यवस्था कर ठाकुर महात्म को नहीं कौन कह छु मंदिर बंद कर आरती करा आरती पर पुणी संध्या दीप कर भक्त मान ठाकुर को दर्शन करेंगे कमी सुचारू रूपे पुणी छड़ा रात 12:30 रे महादीप उठ स्थिर कर महादीप उठापर जगर जो से उपवास करते व्रत को भांगिक घर को जाती तेणु निश्चित भाव में कहवा ये लड्डू बाबा शैवपीठ ये शैवपीठर महात्मा बहुत अधिक। नयगढ़ कैमेरा पर्सन विष्णुचरण पट्टनायक वैद्यभूषण महापात्र न्यूज सेवन। उत्तर ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ पंचलिंगेश्वर महाशिवरात्रि चलचंचल हो उठी। भोर 4:15 मंगल आरती होता 5:15 नीतिकांति पूजा समापन पर 6 भक्त मान साधारण दर्शन खोल रही है। संध्या 6:15 संध्या आरती हो महादीप भोर 4:02 उठ। माहौल रचिबा परिवेश किभली रही सेटाकर अधिक सूचना देखते नीलगिरी प्रतिनिधि ब्रजपाणी। महाशिवरात्रि एवं पंचलिंगेश्वर जो आमर बालेश्वर जिला जो उत्तर ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ पंचलिंगेश्वर चलचंचल हो उठी और हजार हजार भक्त यटा को छुट्टी आज पवित्र दिवस को उपभोग करने बाबा को स्पर्श करने शिवंकर भक्त कहना जमीका गेट पर अच्छा शिवंकर भक्त क्योंकि आसमें बाबा को स्पर्श कले ना आम बालेश्वर आसीचु घर बालेश्वर आसिक आम लाइन में छिड़ा हो किसी समय पर दर्शन करूँ बाबा को स्पर्श कर पंचलिंगेश्वर आम बालेश्वर को आम चिन्हु जानूचु विश्व दरबार में बहुत लाइन लगी घंटे ठिया हो बहुत उत्सुकता अच्छी देखने तो देखिकी जीव दर्शन कर अंचल हजार हजार भक्त मैंने आसवे और दीप जाड़े और निजर मनस्कामना पूर्ण करेंगे एवं आम जो सूचना देखूँ हजार हजार भक्त छुट्टी आसते आहरी भी समय अच्छी कहीं तो मात्र किसी घंटा जा संध्या पर्यटन भक्त मैंने आसवे और बाबा स्पर्श ने निजर मनस्कामना पूर्ण करने अंचल को छुट्टी आसवे पंचलेश्वर पटेल ब्रजकिशोर पाणी न्यूज सेवेन। पवित्र महाशिवरात्रि अवसर में ब्रह्मपुर विभिन्न शैवपीठ में भक्तों गहली देखा मिली। महादेव आशीष लाभ करने शैवपीठ में भक्त मान आसुंच प्रार्थना करुंच ब्रह्मपुर परिवेश किभली रही सेने अधिक सूचना देखते ब्रह्मपुर ब्यूरो हेड आम सुरजित पंडा। आज पवित्र महाशिवरात्र विभिन्न शैवपीठ में भक्तों लगी गहल चल ओं नम शिवाय शब्द से प्रकंपित होची पूरा परिवेश। आम आसी पहुँचू ब्रह्मपुर उपकंठ बैंगणवाड़ी ये हूँ चंद्रक कल्पेश्वर मंदिर में पहुँचू देखूँ कि भाव भक्त मैंने आठ गहल चल लगी रही। शिवरात्रि पूजा करने आसचु भोलेनाथ आशीर्वाद नापी आस भल लगे पूजा कर हाँ मनस्कामना पूरा है आम गाँ मंदिर तो आसा कर आउ समस्ते स्वच्छ भाव रे सब स्वच्छ हृदय रे भगवान दर्शन कर समस्त भक्त दर्शन कर जेहेतु शिवरात्र रे शैवपीठ को आसचंदी एवं पूजा अर्चना करचंदी काहेकि
ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ବର ଦେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ତା'ପରେ ଆଜି ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଶିବରାତ୍ରଙ୍କ ମାନସିକ କରି ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ, ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗିଣାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାକି ଥିଲା, ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାରର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରରେ ଯଦି ଶୈବପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଶିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଟିକେ ଆଶିଷ ଲାଭ ମିଳେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁରଜିତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, News 7 ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଭୋର ସମୟରୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା କିଭଳି ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ ସେ ଆଶା ନେଇ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୈବପୀଠରେ, ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଥା କହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କି ମହାଦୀପ ଉଠିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଥିଲୁ, ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବା ଲଡ଼ୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା ହେଉ, ବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କି ଉପବାସ କରି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।